क्वेश्चन ये है कि अ सैंपल ऑफ मिल्क डाइल्यूटेड विद वाटर, तो मिल्क और वाटर दोनों को मिक्स कर दिया, हैज अ डेंसिटी ऑफ 1032. पानी की डेंसिटी 1000 होती है, बीच में मिल्क है तो डेंसिटी बढ़ गई 1032. प्योर मिल्क है तो डेंसिटी ऑफ 1080. प्योर मिल्क की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है 1080. तो कह रहे हैं व्हाट इज़ दी परसेंटेज ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम इन मिल्क, कोई दूध वाला पानी और दूध को ना मिक्स कर रहा है, कह रहे बताओ कितना परसेंटेज उसे पानी डाला ये बताओ, और सिर्फ क्या देख के डेंसिटी. तो लैब में सैंपल टेस्टिंग भी तो होती है मिठाई वालों की, वो डेंसिटी चेक करते हैं कितना परसेंटेज इसमें इम्प्योरिटी है, वही तो चेक करना है इन्होंने. तो क्या करेंगे, अब मान लो कैपिटल वी पूरा डाइल्यूटेड सैंपल का वॉल्यूम है, इस जो सैंपल उठाया उसमें से छोटा वी वॉल्यूम ऑफ वाटर है और वी माइनस वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ प्योर मिल्क है. तो इसके अंदर मिक्सचर की डेंसिटी क्या है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम. मिक्सचर में क्या है, मास ऑफ मिल्क है, मास ऑफ वाटर है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम मिक्सचर का. अब मास ऑफ मिल्क क्या है, जो मिल्क है उसका वॉल्यूम वी माइनस वी है, जो वाटर है उसका वॉल्यूम छोटा वी है. तो वाटर के लिए मास क्या है, जो वॉल्यूम वाटर का इंटू 1000, मास ऑफ मिल्क क्या है वी माइनस वी इंटू 1080 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वी. यहाँ से सॉल्व कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आ जाएगा, आंसर आएगा. लगाना एक ही है, मुझे पता नहीं टेंथ क्या है, बट इस कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ जब मिक्सचर के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो एक ही डेफिनेशन लगाना, मिक्सचर की डेंसिटी इज मिक्सचर का मास बाय मिक्सचर का वॉल्यूम, बस. अब जो मिक्सचर या एलॉयज के क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे सॉल्व होने वाले हैं. तो फिर जो लैब सैंपल उठाते हैं वो निकाल लेंगे क्या, हाँ देखो तीन चीज़ें हैं, कुछ तो देगा. अगर मिक्सचर की डेंसिटी नहीं देगा क्वेश्चन में तो कुछ तो देगा, कुछ भी देगा, कुछ तो देगा. और अगर वॉल्यूम देगा तो फिर फ्रैक्शन तो एक मिनट वैसे भी आ जाएगी, भी डेंसिटी की जरूरत क्या है. नहीं देखो तुम क्वेश्चन खुद बना रहे हो और क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो कि उसको कैसे करना है. मेरे को शीट नहीं पता, मुझे शीट का क्वेश्चन याद नहीं है. ये क्वेश्चन क्लियर है, मुझे तो क्वेश्चन भी नहीं पता जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हो. ठीक, पहले इन दो क्वेश्चन को आपने खुद पढ़ना है, ये कुछ नहीं, ये आर्कोनीज प्रिंसिपल के हैं. जब आप ये शीट करेंगे आपसे शीट से ये हो जाएंगे, यहाँ से करना है. आपके पास फिर से एक पानी का कंटेनर है और वो एक्सेलरेट कर रहा है विद ए. आपको ऑब्जेक्टिव आएगा ऐसा, वो आपको ए बी सी तीन पॉइंट देगा, ये हाइट है एच, ये लेंथ है एल, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी देगा. आपको क्या पूछेगा, पी बी माइनस पी ए निकालो, पी बी माइनस पी ए निकालो. आपको बस एक ही चीज़ आती है, हॉरिजॉन्टल में प्रेशर डिफरेंस कैसे लगता है और वर्टिकल में प्रेशर डिफरेंस कैसे लगता है. शुरू करते हैं, सबसे पहले सी और ए की बात करते हैं. सी और ए के अंदर प्रेशर डिफरेंस क्या है, पी सी माइनस पी ए. पी सी माइनस पी ए क्या है, एच रो जी की जगह एल रो और एक्सेलरेशन की जगह ए. तो पी सी माइनस पी ए की जगह एल रो ए. क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, तो हॉरिजॉन्टल में लगा लिया तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, पी सी की वैल्यू आ गई. नेक्स्ट है पी बी माइनस पी सी की वैल्यू. पी बी माइनस पी सी की वैल्यू के अंदर पी बी बड़ा प्रेशर है, पी सी छोटा प्रेशर है, तो पी बी माइनस पी सी इज इक्वल टू एच रो जी, क्योंकि नीचे का प्रेशर बड़ा है ऊपर का छोटा है. तो पी बी माइनस पी सी इज इक्वल टू एच रो जी. तो एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में, यहाँ से ऊपर से पी सी की वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कर दो तो ये वैल्यू आ गई. इसे ओपन करो, ओपन करके पी बी माइनस पी अपने आप आ जाएगा, दिस इज आंसर. पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है. मतलब जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो इस तरीके से सोचना है, याद रखना है. ट्यूब वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे, वो कहेगा एक ट्यूब है, एक ट्यूब में वैसे तो जो लेवल है वो हमेशा दोनों तरफ से सेम होता है. ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर आप इसको एक्सेलरेट करवा रहे हैं और ट्यूब को एक्सेलरेट करवा रहे हैं, तो हाइट यहां पर H2 यहां पर H1 होगी, ऐसा क्यों, प्रेशर डिफरेंस क्यों. हाँ प्रेशर डिफरेंस तो है ही, पानी अगर हिलेगा तो प्रेशर डिफरेंस का पहला आंसर तो सही है, सूडो फोर्स एक्सेलरेशन. एक्सेलरेटेड है फ्रेम तो सूडो फोर्स से फोर्सेस पीछे लगेंगी और ये लेवल ऊपर उठ गया और ये नीचे हो गया, और इसका लेवल H2 है, इसका लेवल H1 है और ये एक्सेलरेशन इसकी A है. आपको इसमें क्या करना है, तो आपको एक्सेलरेशन बतानी है जब ट्यूब के अंदर लेवल H1 और H2 है, एक्सेलरेशन बतानी है. तो क्या करना है इसमें, तो इसके अंदर इस पॉइंट का जो प्रेशर है, वन नंबर पॉइंट का जो प्रेशर है वो P एटमोस्फेरिक प्लस H1 रोजी है.
एट वन क्या है, पी एटमोस्फेरिक प्लस एच वन रो जी है। पॉइंट नंबर टू का जो प्रेशर है वो पी एटमोस्फेरिक प्लस एच टू रो जी है। तो पी वन पता है, पी टू पता है, तो आपने ये प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगा लिया वर्टिकल में। अब हॉरिजॉन्टल में देखते हैं, जब ये पूरा फ्रेम इधर मूव करेगा यहाँ का प्रेशर बड़ा है यहाँ का छोटा है, तो पी वन माइनस पी टू इज एल रो ए जी, नहीं ए, एल रो ए। तो इसके अंदर पी वन माइनस पी टू इज एल रो ए। ये पूरा पी वन जो निकाला पी वन की जगह पुट कर देना, पी टू जो निकाला वो पी टू की जगह पुट कर देना, पी एटमोस्फेरिक दोनों में कैंसिल हो जाएगा, एच वन माइनस एच टू ये इक्वेशन आ जाएगी। ये इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखेंगे, ये नॉट फॉर एनसीईआरटी है प्लीज, जब भी आप ऑब्जेक्टिव में ये प्रॉब्लम देखेंगे तो कैसे आपको हैंडल करना है समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो एक बार आपने वर्टिकल में, एक बार आपने वर्टिकल में, और एक बार आपने हॉरिजॉन्टल में, तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो टॉपिक है, जैसे ये क्वेश्चन है वो कहेगा कुछ ना व्हील्स हैं, व्हील्स हैं, और ये व्हील्स रोल करते हुए आगे जा रहे हैं, और इनकी सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन ए है, और बहुत सारे व्हील्स हैं, इनफाइनाइट व्हील्स हैं। इस इनफाइनाइट व्हील्स ये चलते जा रहे हैं, इसके ऊपर ये ट्यूब रख दी पानी से भरी हुई और दोनों तरफ ओपन है, पानी गिर जाएगा पक्की बात है, ओपन है, पर क्योंकि ये फिसलते जा रहा है, इसके ऊपर व्हील चल रहे हैं और ये उसके ऊपर फिसलती जा रही है ट्यूब, पानी का एक बूंद भी नीचे नहीं गिरा। और जबकि इसकी हाइट क्या आई, एच, मतलब बूंद तो क्या गिरना था, उल्टा हाइट भी मेंटेन्ड है एच, क्यों, एक्सेलरेशन है ना, तो सूडो फोर्स से ये पानी रुका हुआ है। पॉइंट नंबर वन, अगर इसके सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन ए है तो इस ट्यूब की आगे मूव करने की एक्सेलरेशन ट्वाइस होगी, रोलिंग के अंदर टॉप की एक्सेलरेशन ट्वाइस हो जाती है। तो आपका ऑब्जेक्टिव में अगर आप ए के साथ सॉल्व करेंगे आंसर नहीं आएगा, टू का फर्क आएगा, तो आपने इस पूरे की एक्सेलरेशन क्या लेनी है, ट्यूब की टू है, क्लियर है यहाँ तक। और आपको निकालना क्या है, आपको एक्सेलरेशन बतानी है क्या होगी इस व्हील की, ताकि हाइट एच मेंटेन्ड रहे। तो ए कॉन्सेप्ट तो आपने टू ए लगा दिया, अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, ये वर्टिकल हाइट एच है, ये ओपन टू एयर है, तो यहां पर कौन सा प्रेशर होगा, पी एटमोस्फेरिक, और ये ए पॉइंट है, तो बोलो पी ए माइनस पी एटमोस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, एच रो जी, कोई डाउट इसमें, सही है। तो ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी, सही है। नेक्स्ट, अब आप एक काम करें, एक पॉइंट फिर से ए ये लें, एक पॉइंट ये कोने का ले लें, कोने पे प्रेशर क्या है, पी एटमोस्फेरिक, क्योंकि आखिरी पॉइंट पर फिर से ओपन टू एयर तो है ही, और यहां पर पी ए, तो बोलो पी ए माइनस पी एटमोस्फेरिक, अब इस बार मैं इक्वेशन किस में लगा रहा हूं, हॉरिजॉन्टल में, इज एच की जगह एल रो कितना, टू ए, मत लगा देना गड़बड़ हो जाएगी, यहां पर टू ए लगेगा, कोई डाउट इसमें, क्लियर है, एच रो जी की जगह एल रो टू ए। यहां से सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ गई, पी ऑफ ए की, पी एटमोस्फेरिक प्लस टू इंटू एल इंटू रो इंटू ए, तो ये आपके पास पी ऑफ ए की वैल्यू आ गई वर्टिकल से, एक आ गई हॉरिजॉन्टल से, दोनों पी ए, पी ए को इक्वेट कर लिया, पी एटमोस्फेरिक कैंसिल हो गया, निकाल लेना जो बचा वो ए हो गया। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कहीं, मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले तो क्या सोच रखनी है आपने, इसको कैसे करना है, असाइनमेंट्स में आएंगे आपको ये क्वेश्चन, तो समझ में आ रहा है कैसे करना है। ट्यूब वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया, ये एच वन एच टू वाला, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन इतनी बार मेंस, नीट और एडवांस में अलग अलग तरीके से आ चुका है कि मतलब बहुत बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये एक वुडन प्लैंक है या जो भी कुछ भी बोट है, कुछ भी मान लो, और इसके ऊपर एक कॉइन है, ठीक है, तो ये एक कॉइन पड़ा हुआ है इसके ऊपर, और ये कितना पानी में डूबा हुआ है, पोर्शन एल पानी में डूबा हुआ है और इक्विलिब्रियम में है, आराम से तैर रहे हैं दोनों मिलके, वुडन भी और ये कॉइन भी, और लेवल ऑफ लिक्विड इस कंटेनर में कितना है, एच है, लेवल ऑफ लिक्विड एच है। कॉइन को नीचे गिर दिया पानी में, कॉइन डूब गया, पहले कॉइन तैर रहा था, कह रहे कॉइन डूब गया, तो बोलो एल और एच के लेवल्स का क्या हुआ,
एल बड़ा कि छोटा? छोटा होगा, डिक्रीज होगा एल, क्वाइन नीचे गिर दिया। अच्छा सोचें आप बोट में हैं, आप सब बोट में हैं और बोट डूबी हुई है पानी में काफ़ी, हम चार लोग उतर गए तो बोट ऊपर आएगी, ऊपर आने में एल थोड़ा सा घटेगा, तो एल तो घटेगा पक्की बात है, कोई डाउट इसमें? ओके, अब क्वाइन नीचे गिरा पानी में, इसका लेवल एच इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज तो बोलना पड़ेगा, और मन कह रहा है इंक्रीज तो इंक्रीज बोल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, लगता इंक्रीज है, लगता इंक्रीज है। हाँ ये भी पॉइंट है, क्योंकि वो कह रहा है पहले भी तैर रहे हैं और अभी भी सिस्टम का पार्ट है, तो वो कह रहा है कि सेम भी हो सकता है। ओके, एक कंसिडरेशन ये भी हो सकती है, गिर गया वो तो पहले भी तैर रहा है, वो तो पहले भी पानी के अंदर ही एक तरीके से। एल डिक्रीज हुआ है जी ना, इसी एक्सप्लेनेशन मिलेगी नहीं, लगता है सेम रहेगा। बचपन में एक स्टोरी सुनी थी, थर्स्टी क्रो, एक प्यासा कौवा था और उसको बड़ी प्यास लगी थी, उसने कंकर उठाए पानी में गिरा, पानी में कंकर गए तो लेवल बढ़ गया और वो पानी पी के उड़ गया, ऐसा ही था। मत लगाना आपको कि क्यों स्टोरियां गलत सुनाई थी, बिल्कुल गलत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि उसने कंकर कहाँ से उठाए थे? बाहर से, उसने ग्राउंड से उठा के पानी में गिरे थे, लेवल बढ़ गया। ये तो पहले ही पानी का पार्ट है, ये तो ऑलरेडी तैर रहा है, ये तो ऑलरेडी पानी को डिस्प्लेस कर रहा है, ये तो ऑलरेडी वुडन के ऊपर है, तो पानी तो उसने वैसे किसका रखा है। तो ये अगर पानी में जाएगा तो मतलब ये ना सोचना कि पानी ऊपर जाएगा, अब जाएगा नहीं जाएगा वो डिस्कस करते हैं। चलो डिस्कस करते हैं, पहले इस चीज़ का आंसर दो, अगर कोई चीज़ इस वुडन के सहारे तैर रही है, तैर तो रही है, कॉइन तैर रहा है, तो वो अपने वेट जितना, मैंने बोला वेट जितना पानी, वॉल्यूम नहीं, आर्किमिडीज कहा था क्वाइन अपने वेट जितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है, अपने वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम में हाथ डालूंगा वॉल्यूम तो ये स्टेटमेंट तो ठीक नहीं बैठी, वेट जितना वॉल्यूम क्या होता है ये स्टेटमेंट सही नहीं है। फिर से एक बार, अगर ये क्वाइन तैर रहा है, अगर ये क्वाइन तैर रहा है तो अपने वेट जितना पानी डिस्प्लेस इसने किया हुआ है, इसलिए वो तैर रहा है, सही है, क्योंकि आर्किमिडीज ने कहा था वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज होल वेट ऑफ द बॉडी। चलो मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि इस क्वाइन ने 100 न्यूटन पानी ऑलरेडी डिस्प्लेस किया हुआ है, ये लो 100 न्यूटन का मतलब पहले ये लेवल यहाँ पे हुआ करता था, जब तुमने क्वाइन रखा होगा तो पानी डिस्प्लेस हुआ होगा और वो यहाँ पर आके तैर रहा है, तो लेवल इतना हो गया, ठीक है, पुरानी पिक्चर उसने दिखाई नहीं बिना क्वाइन के, पर हाँ क्वाइन के साथ कुछ ऐसा रहा होगा। क्वाइन डूब गया, गया क्वाइन, क्वाइन से पूछा तो क्यों डूबा, अब वो क्या कहेगा? आर्किमिडीज ने कहा था क्योंकि मैं अब अपने पानी जितना वेट डिस्प्लेस नहीं कर पाया तो मैं डूब गया, पहले मैं कर पा रहा था 100 न्यूटन, अब मैं नहीं कर पाया, थोड़ा कम कर पाया, हालांकि मेरा वॉल्यूम वाटर जितना डिस्प्लेस सही है, बट वॉल्यूम छोटी चीज़ है, वेट बड़ा चीज़ है, क्योंकि वेट क्या होता है? वीरो जी, वेट जो होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी है, तो मैं अपने वेट जितना पानी डिस्प्लेस नहीं कर पाया तो मैं 100 न्यूटन नहीं कर पाया, तो मैंने पूछा कितना कर पाया, कहता है 20 कर पाया, तो फिर ठीक है, मैंने कहा तेरा लेवल यहाँ की जगह ना यहीं होना चाहिए, क्योंकि तो अगर 100 करता तो लेवल ऊपर उठता, तो 20 कर पाया तो नीचे, तो अब लेवल नीचे गिरेगा। फिर से एक बार, अच्छा अगर मान लो ये क्वाइन तैर रहा है, पहले इमेजिन करो ये सिर्फ ये वुडन का पोर्शन तैर रहा है, क्वाइन नहीं है, तो लेवल ऑफ लिक्विड इमेजिन कर लेते हैं, लेवल ऑफ लिक्विड यहाँ पे था ही नहीं, लेवल यहाँ कहीं था, नीचे था, ठीक है, मैंने क्वाइन को रख दिया, क्वाइन ने पानी को डिस्प्लेस किया, क्वाइन का जो वेट है वो लिक्विड के वेट के इक्वल डिस्प्लेस्ड है, तो चलो मान लो इस क्वाइन ने 100 न्यूटन पानी डिस्प्लेस किया हुआ है, इसका वेट 100 न्यूटन है, तो लेवल बिल्कुल यहाँ पे आ गया जैसे इसमें गिवन है, तो आपको ये पिक्चर दिखाई जा रही है, ये वाली, उसे पहली वाली थोड़ी दिखाई जा रही है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने क्वाइन को यहाँ से निकाल दिया और यहाँ गिर दिया, अब वो डूब गया, क्वाइन इसलिए डूबा क्योंकि वो अपने वेट जितना पानी डिस्प्लेस नहीं कर पाया, थोड़ा कम कर पाया क्योंकि वो डूब गया,
चीज कब डूबती है? जब वो अपने वेट जितना पानी डिस्प्लेस नहीं कर पाती। आर्किमिडीज का तो प्रिंसिपल ही तैरने का यही किया हमने कि अ बॉडी फ्लोट्स व्हेन वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज होल वेट ऑफ द बॉडी। तो होल वेट अगर 100 न्यूटन है तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस भी 100 न्यूटन है, और अगर बॉडी डूब गई तो यानी कि वो 100 न्यूटन अपने वेट जितना पानी डिस्प्लेस नहीं कर पाई, क्योंकि पानी डिस्प्लेस का वेट का मतलब होता है अपथ्रस्ट, वो अपथ्रस्ट उसको प्रॉपर नहीं मिला, कम मिला, सही है, तो नहीं कर पाई, तो वो इतना पानी ऊपर राइज नहीं करवा पाएगी, थोड़ा नीचे करवाएगी, तो लेवल ऊपर थोड़ा उठ जाएगा, उल्टा उल्टा और नीचे गया। अब वैसे भी सोचो कॉइन ऊपर चढ़ा हुआ है, इससे ऊपर पानी तो वाटर डिस्प्लेस कर भी नहीं सकता, वो नीचे गिर के उल्टा डूबने के बाद वो कम ही करेगा, वो ऊपर कैसे कर देगा इससे ज़्यादा, क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम तो बराबर डिस्प्लेस्ड है, वेट कम डिस्प्लेस्ड है। मैं बार बार कह रहा हूँ वेट में और वॉल्यूम में फ़र्क है, क्वाइन का वॉल्यूम और वाटर डिस्प्लेस का वॉल्यूम तो हमेशा ही सेम है। अपथ्रस्ट का मतलब वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, तो वेट बोलो वॉल्यूम मत बोलो, क्योंकि कोई बोल देगा सर वॉल्यूम क्वाइन का वी है, पानी के अंदर भी वी बाहर भी वी था, तो वॉल्यूम तो इक्वली डिस्प्लेस्ड है, वॉल्यूम में प्रॉब्लम नहीं है। कोई अगर लोहे का स्फेयर पानी में डाल दें तो वॉल्यूम तो वो भी अपने वेट वॉल्यूम तो वो भी उतना ही डिस्प्लेस कर रहा है जितना पानी कर रहा है, तैरता थोड़ी ना, वो वेट नहीं कर पा रहा। गेम आर्किमिडीज में वेट की है, वॉल्यूम की नहीं है, वॉल्यूम तो बाई चांस सेम हो जाता है, एक्चुअल तो सारा कॉन्सेप्ट वेट के ऊपर बेस्ड है, और वेट जो होता है वो वॉल्यूम से काफ़ी बड़ा होता है, कि वेट बनता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू चीज से, तो इसलिए वेट बड़ा आएगा वॉल्यूम तो बहुत छोटा आएगा। तो वेट डिस्प्लेस नहीं कर पाया, उतना पानी जो पहले डिस्प्लेस कर रहा था नहीं कर पाया, तो पानी का लेवल नीचे गिरेगा। इसका शॉर्टकट सुनो, आप तो अब तो पहली बार सुना रहा हूँ, ऐसे 5-6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, पी वाई क्यू ऑब्जेक्टिव पता नहीं कहाँ कहाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एक बंदा ना लेक पे गया, घूमने गया, उसने बहुत सारे पत्थर रखे हुए थे, दिखाएगा डायग्राम में ऑब्जेक्टिव में, पत्थर रखे बैठा है, एक एक करके पत्थर फेंकता जा रहा है, सारे पत्थर फेंक आया लेक में, लेक का लेवल क्या हुआ? सोचना ही नहीं है, जब पत्थर तैर रहे थे तो लेक का लेवल काफ़ी ऊपर था, वेट डिस्प्लेस था, पत्थर सारे गिर दिए पानी में, तो लेवल गिरेगा। जितने भी क्वेश्चन है लेवल गिरेगा ही गिरेगा, अगर आपने तैरती हुई बॉडी को डुबो दिया आपका लेवल कभी नहीं उठेगा, आपका लेवल पक्का गिरेगा, बात खत्म। क्लियर है यहाँ तक? नहीं रखा तो क्यों डूब गया? हाँ गया ना पानी में, तो नहीं कर पाया तो गया, पक्का डिग्रीज होगा, वो तो तुम स्लो मोशन में देख रहे हो, मैंने तेज गिर दिया। बहुत सिंपल है, अगर पहली चीज तैर रही है और फिर वो डूब गई तो उतना पानी को डिस्प्लेस नहीं कर पा रही वो, उसने लेवल गिराने गिराना है, उसने चढ़ाना ही नहीं है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो आपने ऐसी कितनी भी कहानी आई आपने लेवल डिक्रीज ही बोलना है, खत्म कहानी। आप 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चारों के चारों डिक्रीज हैं। किसमें लेवल उठेगा? देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, देखो फिर देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा आपको, एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक ब्लॉक है, ध्यान प्लीज ध्यान आगे, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक इस स्ट्रिंग के साथ बांध दिया, पानी के अंदर है, तो इस ब्लॉक पे क्या लग रहा है? अब थ्रस्ट, अब थ्रस्ट की वजह से इतना लग रहा है कि ये तैर सकती है बॉडी, मतलब ऊपर आने की कोशिश कर रही है पर आ नहीं पा रही क्योंकि रस्सी से बंधी हुई है, तो रस्सी में क्या आ गई? टेंशन, तो ऊपर आने की कोशिश कर रही है अब थ्रस्ट की वजह से पर टेंशन को आने नहीं दे रही, इसका वेट क्या है? एम जे। आपने क्या किया? इस पूरे सिस्टम को ऊपर एक्सेलरेट करवा दिया। क्वेश्चन है टेंशन बताओ क्या होगी स्ट्रिंग में, मतलब आपने कुछ नहीं किया, आपने रस्सी बांधी, ये ब्लॉक अपने आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बिकॉज ऑफ अपथ्रस्ट, टेंशन बोलो क्या होगी जब पूरा सिस्टम ऊपर एक्सेलेरेट कर रहा है? रूल नंबर 1, टेंशन पेयर में नंबर 1, क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, इसको छोड़ो, अगर ये एक्सेलेरेट ना करता, सपोज सिस्टम रेस्ट पे है, तो क्या होता? तो ये एम जी होता, टेंशन टी एन टी होता, अपथ्रस्ट होता,
अब थ्रस्ट के अंदर इमेजिन कर लो कि इसका जो वॉल्यूम है वो वी है। अब थ्रस्ट में, अब थ्रस्ट का मतलब होता है इधर इधर, अब थ्रस्ट का मतलब है कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब थ्रस्ट का मतलब है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ बॉडी एक ही बात है, तो वेट ऑफ लिक्विड में वी आएगा। अब थ्रस्ट में डेंसिटी किसकी आएगी, लिक्विड की, वाटर की। कभी भी अब थ्रस्ट में बॉडी की डेंसिटी मत पुट करना, क्योंकि अब थ्रस्ट का मतलब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, तो इसलिए यहां पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ही पुट करना इनटू जी। ये अब थ्रस्ट आ गया, ये mg आ गया, ये टेंशन आ गई, ये रेस्ट पे है, तो इक्वेशन बोलो लॉज ऑफ मोशन की, टी प्लस mg इज इक्वल टू जीरो जी। क्लियर है यहां तक, तो टी की वैल्यू आ गई। अगर ये सिस्टम रेस्ट पे है तो इतनी टेंशन है, और अगर ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो लिफ्ट वाले केस हो गए, जहां जहां तुम्हें जी दिखता है वहां वहां जी प्लस ए लगाया है ना, काम खत्म। वैसे सूडो फोर्स भी लग सकती है ma, उसकी जगह मैंने क्या किया, रेस्ट पे मान लिया, रेस्ट पे मान के टेंशन निकाल ली, और फिर जहां जहां जी दिख रहा है वहां जी प्लस ए रिप्लेस कर दिया, बिकॉज सूडो फोर्स नीचे लगेगी ma। आंसर अब थ्रस्ट को वो तो हमेशा ही रहेगा, आर्कमिडीज प्रिंसिपल कहता ही है कि अब थ्रस्ट और वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस एक ही बात है, इसमें नहीं, वो तो सदैव पूरी दुनिया में सेम रहेगा, अब थ्रस्ट और वेट ऑफ वाटर एक ही बात है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? इसमें एक क्वेश्चन बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन इलास्टिसिटी में, SHM में, कहां कहां नहीं दिखेगा आपको, हर जगह देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 2π√L/g। टाइम पीरियड की वैल्यू 2π√L/g। कोई डाउट इसमें? When pendulum of density rho, a pendulum है जिसकी density क्या है rho, is immersed in a liquid of density sigma, उसने कहा जी इस pendulum को उठा के पानी में डाल दिया, पानी में डाल दिया, pendulum को move करवाया, अगर हवा में move करवाते हैं तो time period का ये formula है, पानी में time period क्या होगा, ये होगा, प्रूफ करो, और पानी की density sigma है और body की density rho है, ये प्रूफ करो। मुझे सिर्फ ये बताओ, जब आप लिक्विड में पेंडुलम को डालेंगे तो क्या एल चेंज होगा? नहीं, एल तो रस्सी तो वही रहती है, क्या चीज चेंज हो रही है जी? कैसे? नहीं, टाइम पीरियड तो तब जब कुछ क्यों, मास तो चेंज होता ही नहीं कभी भी, वॉल्यूम भी चेंज होता नहीं कभी भी, वेट ठीक है, नहीं वो नहीं है। देखो जब आप किसी भी बॉडी को पानी में डालते हैं उसका भार चेंज होता है, वॉल्यूम नहीं चेंज होता। मतलब अगर कोई वी वॉल्यूम का बंदा तुम पानी में डूब जाओगे, तुम्हारा वॉल्यूम बड़ा नहीं हो जाएगा, वो वॉल्यूम सेम रहेगा, वेट ये हल्का फील करेगा, इसका वेट कम होगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगेगा, अब थ्रस्ट। अब वेट चेंज होने से अपरेंट वेट नया वेट आ जाएगा, मास चेंज होता नहीं तो जी चेंज हो जाएगा, तो वेट में जी चेंज हो जाएगा, तो अगर मैं नया जी बता दूं आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, मैं उस कॉन्सेप्ट को भी यूज नहीं करता स्पेसिफिक, आप बहुत लग रहा है पसंद है आपको रिलेटिव डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट, मेरे को इतना याद नहीं रहता, मैं बहुत सिंपल तरीके से करूंगा इसमें, मैं कहूंगा अगर पेंडुलम पानी में चला गया, उसकी डेंसिटी रो है, पानी के अंदर एक्चुअल वेट कितना है उसका, mg, बनाना यहां बना लेना, एक्चुअल वेट है इसका mg, और अब थ्रस्ट कितना है u, तो नया वेट क्या आएगा mg डैश, और ये mg डैश होगा क्या, mg डैश होगा mg माइनस u, एक्चुअल वेट में से अब थ्रस्ट को माइनस करेंगे तो नया वेट आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक, तो नया वेट में जी चेंज कर दें और ये एक्चुअल वेट है माइनस अब थ्रस्ट। अब आगे देखो, अब मास क्या है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, किसका मास है, बॉब का मास है, बॉब का वॉल्यूम इनटू बॉब की डेंसिटी, बॉब का वॉल्यूम बॉब की डेंसिटी। लेकिन अब थ्रस्ट में कभी भी डेंसिटी बॉब की मत यूज करना, लिक्विड की यूज करना, अब थ्रस्ट का मतलब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो अब थ्रस्ट में वॉल्यूम तो बॉब का ही, क्योंकि बॉब और लिक्विड का वॉल्यूम सेम, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, तो यहां से वी 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 कैंसिल, जी डैश आ गया, इस जी डैश को टाइम पीरियड के नए फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ये टर्म आ गई, रेसिप्रोकल लेके ऑप्शन मार्क कर दें, आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है? जब भी कोई भी चीज, सिर्फ पेंडुलम नहीं,
प्लस टू तक चलेगा ये कॉन्सेप्ट, पता नहीं क्या कुछ वो पानी में डालता रहेगा, बस जब पानी में जाएगा तो एक फोर्स एक्स्ट्रा लगेगी, उसका नाम है अप थ्रस्ट। तो पहले आपको वेट चेंज करके उन सारे क्वेश्चन में जी डैश निकालना ही पड़ेगा। अब वो चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज स्फेयर है प्लस टू में, या वो पेंडुलम है, या वो स्प्रिंग मास सिस्टम है, कुछ भी, कुछ भी जो आप पूरी फिजिक्स में करके आए वो पानी में उठा के डाल देगा, तो आप थ्रस्ट निकालते रहना बैठ के, तो वहाँ से जी चेंज हो जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सबको सेम है कि क्या लगेगा इसमें, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक?